बिजली है शक्ति, उसे व्यर्थ न जलाएं, जितनी जरूरत हो उतनी जलाएं। ये कहावत काफी पुराना है, सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद यह कहावत अब सटीक उस मीटर पर बैठता है। पहले था नियम यह कि पहले आप बिजली जलाएं तब आप बिजली का बिल भुगतान करें, लेकिन नया स्मार्ट मीटर में यह नियम बदल गया है। पहले पैसा जमा करें तब आपका लाइन चालू होगा। अगर थोड़ी सी चूक हो गई तो आपकी लाइन कट भी सकती है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनके साथ काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर इस्माइलगंज के बहुत उपभोक्ताओं ने नगर विद्युत कार्यालय में आकर इन लोगों ने आंदोलन किया। इन लोगों का कहना है कि पुराना ही मीटर मेरा ठीक था, हम लोग को एक महीने में 150 से 200 बिल आता था, लेकिन जब से स्मार्ट मीटर लगा है हम लोग को 1000, 1200, 1500 का बिल आता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कहाँ से इतना बिल भरेंगे? या तो हम लोग का लाइन काट दिया जाए, नहीं तो पुराना मीटर था वही लगा दिया जाए। इसी को लेकर इन लोगों ने यहाँ के राजस्व पदाधिकारी से की मुलाकात, आई अपनी समस्या। राजस्व पदाधिकारी ने इन लोग की समस्या सुनी, कहा कि आप लोग की समस्या का होगा समाधान। उपभोक्ताओं ने क्या कहा, राजस्व पदाधिकारी ने क्या कहा, क्या इन लोगों की समस्या थी, सुनिए इन्हीं की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। मीटर लगा है रिचार्ज वाला, हम लोग का महीना भी नहीं लगता है, 1000 का रिचार्ज खत्म हो जाता है। आप बताइए, जो रिक्शा चलाता है, सब्जी बेचता है, जिसको कोई रोजगारी नहीं है, वो कहाँ से भरेगा? इसलिए हम लोग को ये वाला मीटर हटा के जो पुराना था वही मीटर लगा। कब लगाया गया आपको? इधर 3 महीना हो गया। अच्छा, 3 महीना में किसी का 1500 का रहा, 2000 का रहा, तो कहाँ से भरेगा? पहले कितना आता था? पहले आता था 150, 125, कभी बीच करने के बाद 200 का, उससे ज्यादा नहीं आता था। अभी तो 500 भी कम पड़ रहा है। अच्छा, तो आदमी कहाँ से पूर्ति करेगा? कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए मीठा तलाब से, आजाद में आए इस्माइलगंज से। आप लोग यहाँ क्या पदाधिकारी से क्या कहने आए? यही कहने आए कि वो मीटर लगा के हम लोग को जो पहले वाला मीटर था वही सस्ता वाला मीटर लगा दीजिए। हम लोग मिट्टी तेल से दिया जलाएंगे, मिट्टी तेल भी नहीं मिलता है ना हम लोग को, खाना कर सकते हैं। लाइट काफी दिया, खाना लाइट काफी दिया तो कैसे होगा? अच्छा, आप लोग को मैसेज आता है कि बिजली कट नहीं, रिचार्ज करवा रिचार्ज करवा, मैसेज पर मैसेज आता है तो रिचार्ज कराइएगा ना। मरा जो ठेला चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, औरत लोग कचरा चुनती है, कोठी सब काम करती है, तो कहाँ से लाएगा बाल बच्चे का? अच्छा, तो मैंने जब कराने का घर बुना खोपड़िया, मैंने रिचार्ज जो है वो सही नहीं है, नहीं ज्यादा आ रहा है, मतलब जो पुराना मीटर है वही रहना चाहिए। सर, अगर 2 महीना 3 महीना भी हो जाता ना तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके 10 रुपया लगभग न करता ब्याज, लेकिन बाद में देते हैं। अच्छा, तो कराना है तो कराना है। अच्छा, नहीं तो अंधेरे में मरो। अच्छा, मोबाइल फोन में भी ना होता है कि रिचार्ज नहीं रहेगा तो मोबाइल नहीं चलेगा? तो उसका तो नहीं चलता है, कोई बात नहीं है, अगर लाइन में रहना जरूरी है ना सर, मोबाइल सबके पास नहीं ना है, हम लोग कहाँ से रखेंगे? लाइन रहना जरूरी है। कहाँ का मिट्टी तेल दो? कहाँ से है आप लोग? कौन वार्ड है? अच्छा, कितने लोगों का अभी तक मीटर लगा हुआ है, रिचार्ज वाला मीटर? इधर सर में इधर लोग बहुत लोग प्रेस किया है, 4-5 दिन में फिर आ गए। देखिए सर, 1 महीना में जहाँ का 150-200 का बिल आता था, 1900 का बिल है 1 महीना में, ये देख लीजिए। यहाँ गरीब आदमी कहाँ से मजदूर आदमी लाएगा? जैसे आप कैसे यहाँ का 196 अभी आए हैं, बिजली ऑफिस आए हैं नेशनल सलीमा के पास, पावर हाउस, पावर हाउस का क्या 20 दिन पर 1000 देना में काम करने वाला आदमी कहाँ से लाएगा? मजदूरी 1 महीना पर ना मिलता है, अभी कहाँ से तब स्मार्ट कार्ड हम सब मोबाइल चढ़ा दिया, मोबाइल उबाइल नहीं चलाने आता है, बिजली कट जाता है। हाँ, मतलब मोबाइल चलाने नहीं आता है, बिजली कट जाता है, क्या समस्या होता है? लाइन नहीं चाहिए बिना बिजली, जैसे कि जो पैसा आप जमा करिएगा तब जलाइएगा, ये जो कॉन्सेप्ट आया है, ये कॉन्सेप्ट तो मतलब क्या बोले, एक नया सिस्टम बना है, तो उस सिस्टम का भाग आप हम दोनों हैं। अब उसमें उसको एक्सपेडाइट करने में जो समस्याएं आती हैं, वो तो समस्या हमारे साथ आपके साथ भी है। हम भी पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो पेट्रोल का पहले पैसा देते हैं तभी हमको देता है। अगर ये सुविधा कुछ और मोड में पहले था, जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का सुविधा था तो उसका मुहैया करते थे, लेकिन ये सुविधा फिलहाल तो नहीं है। तो ये
समाज में जैसे अडॉप्ट कर लेगा ना तो आपको नहीं पता चलेगा। मैंने आप कह रहे हैं कि उपभोक्ता को इस परेशानी से झेलना ही पड़ेगा, आदत हो जाएगा, झेलना पड़ेगा नहीं बात है। जैसे हम मोबाइल वाला जो फोन वाला सिस्टम था पोस्ट पेड करते थे, आप प्रीपेड कर रहे हैं ना, तो अब लगता है कि यही सही है। कहने का मतलब है सर, अब उपभोक्ता जो कुछ दिन अंधेरे में रहे, आदत पड़ जाएगी, बिजली बिल जमा करे तो जाके आप। नहीं नहीं, उपभोक्ता अंधेरे में क्यों रहेंगे, आपको लग रहा है एक दिन भी कोई अंधेरे में रहेंगे? लेकिन सर जो समस्या लेके लोग आए थे उनसे तो यही लगता है। इनका दूसरा भी समस्या है, इनका समस्या जो है वो एग्जैक्टली एक चीज़ का नहीं था, बहुत चीज़ समस्या बताई, हम लोग नोट डाउन किए, हम लोग काम करेंगे। विद्युत विभाग दरभंगा को 18 करोड़ 35 लाख रुपए की राजस्व वसूली की टारगेट मुख्यालय के द्वारा मार्च महीने में दिया गया था, लेकिन विभाग की तत्परता के कारण मार्च महीने में 20 करोड़ 39 लाख राजस्व की हुई वसूली। इसी को लेकर दरभंगा के जिला पदाधिकारी के द्वारा दरभंगा विद्युत विभाग के 7 पदाधिकारियों को दिया गया प्रशस्ति पत्र। इस अवसर पर विद्युत विभाग के सहायक अभियंता गौरव कुमार ने पत्रकारों को इसकी दी जानकारी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सर्टिफिकेट मिला है आज आपको, ये मार्च महीना में हम लोगों का राजस्व वसूली का टारगेट मिला था, वो टारगेट मुख्यालय के द्वारा निर्धारित किया गया था 18 करोड़ 35 लाख और उसके विरुद्ध हम लोगों ने 20 करोड़ 39 लाख राजस्व वसूली किया था मार्च में, तो हम लोगों को उसी के एवज में आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा ये सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रशस्ति पत्र जो है वो आज वितरण किया गया, उनके द्वारा हस्ताक्षरित है। तो हम लोगों के लिए ये बहुत ही खुशी का समय है, इसे काम करने में और उत्साह बढ़ जाएगा और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। सर लगातार राजस्व के मामले में बिहार स्तर से बात करें तो दरभंगा कई सालों से राजस्व के स्तर में अव्वल रहा है जी, इसमें क्या मानते हैं इसको आप? इसमें मैं यहाँ के जो उपभोक्ता हैं उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पेइंग कंज्यूमर अच्छा है। जैसे हम लोगों का मार्च के महीना में ही लगभग 82% कंज्यूमर पेमेंट किए थे और यहाँ लगातार अगर आप महीने की बात करें तो कम से कम 70% उपभोक्ता लगातार पेमेंट करते हैं, और अब तो स्मार्ट मीटर भी आ गया है, प्रीपेड मीटर भी आ गया है, तो राजस्व वसूली और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अब कंज्यूमर भी पहले रिचार्ज करेंगे तो अब हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी कि कंज्यूमर को हम लोग सही विद्युत आपूर्ति कर पाएँ। और जैसे अभी गर्मी का समय शुरू हो चुका है तो हम लोग कोशिश करेंगे, पूरा तन्मयता से लगेंगे जो उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली दे पाएँ और जो भी सुविधाएँ हैं उनको दे पाएँ। आपके अलावा और कितने कर्मियों को मिला है ये प्रमाण? यहाँ से कुल विद्युत आपूर्ति प्रमंडल दरभंगा शहरी के कुल 13 अधिकारियों को मिला है, जिसमें विद्युत कार्यपालक अभियंता दरभंगा शहरी हैं, सभी सहायक विद्युत अभियंता और कार्तिक विद्युत अभियंता को भी मिला है, राजस्व पदाधिकारी को भी मिला है। सर अभी जो ये स्मार्ट मीटर लग रहा है, कई परेशानियाँ कंज्यूमर के साथ हो रही हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे? एक तरफ राजस्व वसूली में नंबर वन आपका जिला है और दूसरी तरफ जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो इसके लिए विभाग क्या करेगी कि उपभोक्ता को काफ़ी परेशानी नहीं हो? कोई भी जब हम लोग नया सिस्टम लाते हैं तो शुरू में जानकारी के अभाव में कुछ असुविधाएं होती हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर में जो है बहुत कुछ बेनिफिट है कंज्यूमर को। बेनिफिट ये है कि उपभोक्ता अपना दैनिक खपत देख सकते हैं, पहले होता था मंथली बिल मिलता था और वो बिल कभी कभी 30 दिन 45 दिन ऐसे मिलता था तो उपभोक्ताओं को दिक्कत होती थी, अब प्रतिदिन उपभोक्ता देख सकते हैं और उसके बाद अपना नियंत्रित भी कर सकते हैं बिजली उपयोग, जिससे कि बिजली की बचत भी होगी। और स्मार्ट मीटर कंज्यूमर के लिए यहाँ स्मार्ट काउंटर भी खोला गया है, जिससे कि उपभोक्ता यहाँ भी रिचार्ज करा सकते हैं। वैसे बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप है, इसके माध्यम से उपभोक्ता घर बैठे आसानी से रिचार्ज करा सकते हैं। स्मार्ट मीटर ऐप में UPI से भी रिचार्ज करने का ऑप्शन है, जिससे कि बैलेंस भी तुरंत अपडेटेड हो जाता है और जो भी उपभोक्ताओं का समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। उपभोक्ता हम लोगों को फ़ोन कर सकते हैं, जैसे मैं सहायक विद्युत अभियंता दरभंगा शहरी हूँ, मेरा नंबर 7763815218 है, इस पर वो कॉल कर सकते हैं। उसी तरह सहायक विद्युत अभियंता लहरिया सराय का नंबर 7763815219 है, उन पर भी लोग कॉल करके जो भी समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं। और हमारे राजस्व पदाधिकारी जो हैं 7763815218
8744 उनका नंबर है, वो भी हमेशा उपभोक्ताओं के सेवाओं के लिए सहायता के लिए तत्पर है। इसके एक बात महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, पिछले दिन मीडिया में मैंने कुछ रिपोर्ट देखा था, इसलिए मैं उपभोक्ता को जागरूक करना चाहता हूँ कि ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो लग रहा है सरकार की तरफ से, यह बिल्कुल निःशुल्क है। किसी को भी एक भी रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ लगाने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के जो भी आदमी जा रहे हैं, उन लोगों को भी नहीं देना है लगाने के नाम पे या रिचार्ज के नाम पे, ये सब कुछ नहीं, एक भी रुपया नहीं देना है। उपभोक्ता का जो भी मीटर लग रहा है तो उपभोक्ता का उस मीटर को विभाग के द्वारा स्वतः ही स्मार्ट प्रीपेड सिस्टम में डाला जाएगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा प्रीपेड सिस्टम, और उसके बाद उपभोक्ता के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं उस पर मैसेज आएगा और उसके बाद उनको रिचार्ज करना है। पिछला बकाया जो भी है पिछला बिल का वो 300 दिनों में कटेगा। उपभोक्ता अगर चाहें तो पिछला जहां तक का बिल बना है हमारे राजस्व संग्रह केंद्र पे जमा करके रसीद ले सकते हैं। ऑन स्पॉट किसी को एक भी रुपया नहीं देना है। कोई अगर ठग रहे हैं बरगला रहे हैं तो हम लोगों से संपर्क करना है। और आजकल तो डिजिटल युग है, मैं उपभोक्ताओं को कहूँगा, एक खास निवेदन करना चाहूँगा, अगर कोई पैसे मांग रहे हैं तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें और उस वीडियो रिकॉर्डिंग को एक सबूत के तौर पे हम लोगों को दें, जिससे कि हम लोगों को भी उन पे कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।